सो यार जैसे कि आप लोग थंबनेल देख लिया, तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं i7s की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसकी पैकेजिंग कुछ इस टाइप की रहती है, आप देख सकते हैं पैकेजिंग ठीक ठाक है। डब्बा कुछ हद तक असली एयरपॉड से मिलता जुलता है i7 साइज में। डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं हम एक बार, फोकस करते हैं एक सेकंड। और डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है स्पेसिफिकेशन है i7 TWS, जो कि TWS कंपनी का मैंने पहले बताया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ भी काम का नहीं है, कुछ भी काम का नहीं है अपने भाई। सो लेट्स अनबॉक्स इट फर्स्ट। सो दिस इज द फर्स्ट लुक ऑफ द एयरपॉड विच वी गेट फ्रॉम द TWS। एंड देख सकते हैं यार ये थोड़ा चीप साउंड कर रहा है देखने में। एक बार इसको सेट करते हैं, बाकी देखते हैं और क्या क्या मिलेगा हमें इनबॉक्स। सो दिस इज द यूजर मैनुअल विच इज, अरे वो इंग्लिश है, थैंक गॉड, आई थिंक दिस इज ओनली इन चाइनीज। सो वन साइड चाइनीज एंड वन साइड इंग्लिश। एज आई टोल्ड यू इन अर्लियर वीडियोज एंड ऑल वीडियोज, यार ये कोई काम का नहीं भाई, ये कौन पढ़ता है, किसको इतनी फुर्सत है। तो इसको वापस वापस and let's come to the airpods. So this is the airpod. Yes, light jalti hai, aap dekh sakte hain light. Excellent. Ye dekhiye aap light dekh sakte hain, is tarike se blink karti hai. Isme sirf do indicator hai battery ke, 50% aur 100%. Aur ye dekhiye aap, ye andar se light chalta hai bilkul kisi original airpod ki tarah. Aur aap dekh sakte hain jo bhi hai aapke samne. Let's take out it and check the quality. So here we don't get any sensor like TW 10, 11 and 12. We don't get any sensors. We have switch over it. You can see you have a switch, it and the second one also you can see. Let me focus. ये देख सकते हैं आप, ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। इन हैंड काफी साइज बड़ा है इसका यार। सो ये कुछ इस तरीके के दिखेंगे एयरपॉड्स आपको। और बॉक्स तो देखें यार, तो इन बिल्ड क्वालिटी ठीक ही है, बट थोड़ा चीप साउंड कर रहा है। पर यार अगर आप देखें गौर से, तो यार 300 रुपए में आप भाई क्या लेंगे, क्या ही ले सकते हैं यार। 300 रुपए में आपको चार्जिंग केस मिल रहा है, जो कि 40 या 50 mAh हो गया, उससे ज्यादा तो मैक्स से ज्यादा नहीं है। और इसमें 15 से 20 के बीच में होगा। कंपनी कुछ भी इस पे कमेंट नहीं कर रही है कि इसमें कितने एमएच बैटरी है या कुछ भी डिटेल नहीं दे रही है। सो लेट्स पावर ऑन इट एंड चेक द ऑडियो। मैं क्लोज इसे कैमरे के क्लोज लिख जाता हूं ताकि आप सुन सके इसकी आवाज थोड़ी सी। होपफुली आपने सुन लिया होगा, ये ऑन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ये किस तरीके से ब्लिंक करता है। सो ये ब्लू लाइट इंडिकेट कर रहा है कि ये ऑन हो चुका है। सो सेकंड वाला भी ऑन कर लेते हैं। सो ये भी बेसिकली ऑन हो गया। तो आप देख सकते हैं दोनों ब्लिंक कर रहे हैं। आपको यार जैसे आपने सुना, अगर TWS यूज किया होगा कभी भी, तो आप देख सकते हैं यार TWS में आप सिंपली एक को कोई भी ईयरफोन लेफ्ट या राइट में आपको दो बार टैप करना है। सो दिस इज बेसिकली, अब ना ये दोनों कनेक्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यार, अब इसमें एक में ब्लिंक कर रहा है, एक में ब्लिंक करना बंद कर दिया। देख सकते जिसने मैंने टैप किया था, जिस वाले मैंने टैप किया था, ये ब्लिंक कर रहा है। देख सकते हैं आप लाइट थोड़ा थोड़ा देखिए स्क्रीन में, लाइट ब्लिंक कर रहा है। और इस वाले में लाइट ब्लिंक बिल्कुल भी नहीं हो रही, थोड़ी कम हो रही है। मतलब इसके सामने इसके कंपेरिजन इसकी लाइट काफी स्लो चलेगी। आप मतलब ध्यान देंगे तो ही आपको देखने को मिलेगा, एल्स नहीं मिलेगा। सो इसको ऑफ कर देते हैं। और ऑफ करने के लिए आपको एक किसी को भी प्रेस करके रखना थोड़ी देर। दोनों ऑफ हो चुके हैं यार, क्योंकि दोनों कनेक्टेड थे तो दोनों ऑफ हो चुके हैं। इसका डिमेरिट सबसे बड़ा ये है यार कि ये ब्लूटूथ 5.0 पे नहीं चलता है, ये अपना पुराना 3 और 4 वाले पे ही चल रहा है। मेरे सब 3 पे ही होगा, क्योंकि यार 300 रुपए में क्या लोगे यार। अगर मैं कंपेयर करूं इस TWS i7 की विथ माई प्रीवियस TWS i7s विच वॉज 2 ईयर अर्लियर, जब नया प्रोडक्ट आया था, ये है। आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी तब भी उससे थोड़ी सही है। दिखाना चाहता हूँ एक बार,
पुराना वाला है और ये अभी नया जो है, ये 2019 के अगस्त के बाद आया जो है उसकी बात कर रहा हूँ। इसकी प्राइसिंग भी कम हो गई है, अब पहले 600 के अराउंड था, अभी 300 हो गया, तो यार हाफ हो गई प्राइस। तो हम देखेंगे इसमें क्या डिफरेंस आया है। अगर आप बिल्ड क्वालिटी देखेंगे तो आप देख सकते हैं यार इसके ईयरबड कवर है थोड़ा गंदे, कुछ कुशंस के कवर है इसके में थोड़ा ट्रांसपेरेंट है। ये ईयरफोन की साउंड के लिए तो बिल्कुल सेम है, नीचे से भी सिमिलर, एकदम आइडियल है, देख सकते हैं आप दोनों सिमिलर ही एकदम। और अगर आप वेट चेक करेंगे तो वेट मेरे को इसका थोड़ा ज्यादा लग रहा है, डोंट नो व्हाई एंड हाउ, बट इसका वेट थोड़ा ज्यादा, इसका वेट थोड़ा कम है। तो इसे हम वापस रख देते हैं एंड इसे भी वापस रख देते हैं। तो मेरे हिसाब से यार व्हाइट मंगाइएगा, अगर आप अब ऑर्डर करने वाले तो मेरे हिसाब से व्हाइट ही अच्छा है। मैंने ब्लैक सोचा था, क्रोम ब्लैक होगा या समथिंग लाइक टेक्सचर्ड ब्लैक होगा, पर ये बिल्कुल ही मेटेलिक ब्लैक वाले डिजाइन में आ गया जो कि मुझे उतना अच्छा नहीं लगा कलर, बट व्हाइट आई प्रीफर यार, व्हाइट बहुत प्यारा है। अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा लुक लगेगा। अगर कोई जानता नहीं है यार TWS के बारे में, जिसको बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है एयरपॉड्स के बारे में, थोड़ा बहुत जिसने सुना तो वो एक बार देख के तो सोच सकता है कि यार ये शायद ओरिजिनल है एयरपॉड, बस का थोड़ा सा बॉक्स का डिफरेंस है जो कि जल्दी किसी के ध्यान में नहीं आता। तो आप देख सकते हैं इस तरह चार्ज होता है। तो मैंने इसे यूज किया था जो मेरा पहला वाला था, तो ये नियर अबाउट 2 आवर 30 मिनट्स 2 आवर 40 मिनट्स, मैक्स टू मैक्स 2 आवर 50 मिनट्स चलता था, तो हम कह सकते हैं 3 घंटा अराउंड चलता था। उसके बाद फिर आप उसको चार्ज करते थे तो ये मेरे 2 से 3 दिन निकाल देता था। एंड अभी बेसिकली मैंने इसे यूज किया नहीं है, तो प्राइस कटिंग हो गई है कॉस्ट कटिंग के बाद, मुझे नहीं पता यार ये कितने देर चलेगा, बट कंपनी क्लेम कर रही है 3 घंटे का, तो होपफुली 3 घंटा चलेगा। तो यार मैं कुछ बेसिक इसके इंडिकेटर्स बता देता हूँ लाइट के, जैसे कि जब आप इसे कनेक्ट करेंगे अगर ये रेड लाइट चल रहा है, अगर ये रेड लाइट चल रहा है तो इसका मतलब ये चार्ज हो रहा है, और अगर ये ब्लू चल रहा है इस मीन दैट आपका बॉक्स जो है चार्ज है, और वो अंदर जो एयरपॉड आपके लगे हुए उसे चार्ज कर रहा है। बट इनकेस अगर ये ब्लू ब्लिंक करने लगे, जैसे कि अभी करने लगा आप देख सकते हैं, अगर ये ब्लू ब्लिंक कर रहा है इसका मतलब आपकी बैटरी इस बॉक्स की इंटरनल वाली खत्म हो चुकी है, बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, आपको चार्ज कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं आपको कनेक्ट करके भी दिखा देता हूँ कि कनेक्ट करने के बाद इसमें कैसी लाइट चलती है। सो मैं चार्ज कनेक्ट करके दिखा देता हूँ, देख सकते हैं आप कनेक्ट करने के बाद इसमें रेड लाइट ब्लिंक कर रही है, देख सकते हैं आप, देखिए आप देख सकते हैं इसमें रेड लाइट ब्लिंक कर रही है। रेड लाइट ब्लिंक करने का मतलब होता है कि यार इसका जो चार्ज है वो स्टार्ट होना हो चुका है, और जब ये फुल चार्ज जाएगा तो ये रेड स्टॉप हो जाएगी। थोड़ा उल्टा है यार, फुल चार्ज होने पर रेड स्टॉप होती है और डिस्चार्ज होने ब्लू जलती है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, तब चलना चाहिए। सो मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, अब कुछ इसके बारे में पढ़ते हैं। सो यार इसमें आप देख सकते हैं इसने दिया हुआ डिस्टेंस 12 मीटर, यार हाँ ठीक ठाक 12 मीटर चल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेइंग टाइम इसने दिया हुआ 5 से 6 घंटा, यार नहीं मानने वाला, मैं कभी नहीं चलने वाला, ये चलेगा आपको नियर अबाउट 3 आवर्स, मैंने बता दिया पहले ही। और चार्जिंग टाइम की अगर बात करें तो 1 घंटे से 1.5 घंटा, हाँ 1 से 2 घंटा दिया हुआ, मैंने इसे 1.5 घंटे ज्यादा आज तक कभी यार चार्ज नहीं किया। सेंड माई टाइम 100 आवर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द TWS। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, यार अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो यार प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना यार कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको इसके अगले सीरीज के वीडियो चाहिए जैसे i12 या i9 तो कमेंट में वो भी बता देना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूंगा। या अगर आपको दोनों के बीच के डिफरेंस के बारे में वीडियो जाननी है चाहिए तो मैं उस पर भी बना दूंगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर देना, अगर पुराने हैं तो भाई कहने की जरूरत ही नहीं है, पहले से कर चुके होंगे, इतना तो आप कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।